सब्सक्राइब करें टेक्नो ब्लॉगर एंड हिट नोटिफिकेशन बटन टू स्टे अपडेटेड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज ऋषभ जसवाल एंड यू वाचिंग टेक्नो ब्लॉगर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000, जहां पे मैंने कुछ 5 लैपटॉप का लिस्ट बनाया जिसके मैं पूरे डिटेल्स में बात करने वाले। उसके साथ में ये भी जानेंगे कि उसमें से सबसे बेस्ट लैपटॉप आपके लिए कौन सा होगा, सब जानने वाले इस वीडियो में। तो बिना कोई और टाइम वेस्ट किए, सो लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, मैंने जो भी 5 लैपटॉप का लिस्ट बनाया उसमें सबसे पहले उसके परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी दिया। उसके परफॉर्मेंस में मैंने उसका प्रोसेसर देखा, देन उसमें किस टाइप का मैं स्टोरेज देखने को मिलने वाला है, रैम देखा, उसका डिस्प्ले और पूरा चीज को देखते हुए ये लिस्ट बना हुआ। तो हमारा जो 5वां नंबर पे लैपटॉप है वो है HP Pavilion Gaming। यहाँ पे अगर मैं उसके प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको Ryzen 5 का Quad-Core 3550H प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको 1 TB का हार्ड डिस्क देखने को मिल जा रहा है, विंडोज 10 प्री इंस्टॉल देखने को मिल जा रहा है। और मैं अगर रैम की बात करूँ तो इसमें आपको 8 GB ऑफ DDR4 का रैम देखने को मिलने वाला है, 2400 MHz का, दैट इज एक्सपेंडेबल अप टू 16 GB। उसके साथ में इसका स्टोरेज भी आप एक्सपैंड कर सकते हो, 1 TB SSD लगा के 1 TB तक आप SSD के साथ इसका स्टोरेज एक्सपैंड कर सकते हो। और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो आपको इसमें 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है 1080p रेजोल्यूशन के साथ में। और इसका जो ग्राफिक है वो है NVIDIA का GeForce GTX 1650, एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स है 4 GB का, जो आपको GDDR5 का मेमोरी टाइप देखने को मिल जाएगा ग्राफिक में। यहाँ पे इस लैपटॉप में आपको 6 MB कैशा देखने को मिल जाएगा, विंडोज 10 प्री इंस्टॉल देखने को मिलने वाला जो है 64 bit में। इस लैपटॉप में आपको कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्री इंस्टॉल देखने को नहीं मिलने वाला है। और अगर इस लैपटॉप की अगर हम पोर्ट की बात करें तो आपको इस लैपटॉप में पोर्ट के मामले में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे मीडिया कार्ड रीडर पोर्ट है, 3.5 mm जैक देखने को मिल जाएगा, सी टाइप देखने को मिल रहा है, लैन पोर्ट देखने को मिलने वाला है, 2 USB A पोर्ट देखने को मिलने वाला, फर्स्ट जनरेशन का सुपर स्पीड वाला HDMI पोर्ट देखने को मिल जा रहा है, चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जा रहा है। तो सारे टाइप के आपको इसमें पोर्ट देखने को मिल जा रहा है। और इसमें आपको वायलेट कलर में बैकलाइट कीबोर्ड भी देखने को मिल जा रहा है, जो एक फुल साइज कीबोर्ड है जिसमें आपको नंबर पैड भी देखने को मिलने वाला है। इस लैपटॉप में आपको वाईफाई 5 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, उसके साथ आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल रहा है। तो इस लैपटॉप में आपको कनेक्टिविटी और ऑडियो का भी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। तो गेमर्स लोग के लिए काफी अच्छा लैपटॉप बन जा रहा है, काफी ज्यादा पावरफुल लैपटॉप। यहाँ पे इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसके प्राइसिंग कुछ 54,990 rupees यानी कुछ 55,000 के आसपास में आपको फ्लिपकार्ट में देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे 4वां नंबर वाले लैपटॉप पे, जो है लेनोवो का IdeaPad L340। यहाँ पे अगर मैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको इंटेल का i5 9th जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। उसके साथ साथ इसमें आपको 1 TB हार्ड डिस्क देखने को मिल जाएगा। इस लैपटॉप में आपको 8 GB ऑफ DDR4 का रैम देखने को मिल रहा है विद 2400 MHz फ्रीक्वेंसी के साथ में, जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हो अप टू 16 GB। और इसके ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें आपको NVIDIA का GeForce GTX 1650 डेडिकेटेड 4 GB ग्राफिक देखने को मिलने वाला है, जो GDDR5 का मेमोरी टाइप आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें आपको विंडोज 10 प्री इंस्टॉल देखने को मिल रहा है। इसकी पोर्ट की बात करें तो इस लैपटॉप में भी आपको कोई पोर्ट का कमी देखने को नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको 2 USB 3.1 पोर्ट देखने को मिल रहा है, सी टाइप देखने को मिल रहा है, HDMI पोर्ट देखने को मिल रहा है, SD कार्ड टाइप पोर्ट देखने को मिल रहा है। इसके डिस्प्ले की बात करें तो आपको 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है 1080p रेजोल्यूशन के साथ में। इस लैपटॉप में आपको डुअल वाईफाई देखने को मिल रहा है, उसके साथ में इस लैपटॉप में आपको स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिल जा रहा है जो सपोर्ट करता है डॉल्बी ऑडियो को। इसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो ये लैपटॉप भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, जहाँ पे इसमें भी आपको एक फुल साइज बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलने वाला है ब्लू कलर में। तो इसमें आपको जो स्मूथ डिस्प्ले मिल रहा है, फिर 1650 ग्राफिक्स मिल रहा है, i5 9th जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिल जा रहा है। तो इसके थ्रू ये काफी अच्छा कमाल पैकेज बन जाता है, जहाँ पे आपको ऑडियो पोर्ट के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉल्बी ऑडियो इस लैपटॉप में देखने को मिल जा रहा है, जो हमारे लिस्ट के किसी भी लैपटॉप में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पे इसकी प्राइसिंग की बात करें तो आप 52,990 rupees यानी कुछ 53,000 में फ्लिपकार्ट में देखने को मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, चेकआउट कर सकते हो। तो उसके बाद बढ़ते हैं हमारे 3rd नंबर वाले लैपटॉप पे, जो है Acer Nitro 5। जहाँ पे अगर उसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करें, प्रोसेसर से स्टार्ट करें, जहाँ पे आपको Ryzen 5 3550H प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो क्वाड कोर प्रोसेसर है। उसके साथ में इसमें आपको 512 GB ऑफ SSD देखने को मिल रहा है, अभी तक सिर्फ हार्ड डिस्क देखने को मिल रहा था। तो आपको SSD मिल रहा है, तो काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस इस लैपटॉप में आपको मिलने वाला है। उसके साथ इस लैपटॉप में आपको 8 GB ऑफ DDR4 का रैम देखने को मिल रहा है, एक्सपेंडेबल अप टू 32 GB
जो अगेन 2400 मेगाहर्ट्ज का है। तो इस लैपटॉप में अगर मैं ग्राफिक्स की बात करूं तो इस लैपटॉप में भी आपको NVIDIA का GeForce GTX 1650 ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है, जो एक डेडिकेटेड 4GB ग्राफिक्स है, जो DDR5 का रैम मेमोरी टाइप का है। और इस लैपटॉप में भी आपको 15.6 इंच का फुल HD 1080p रेजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले देखने को मिल जा रहा है। और इस लैपटॉप में आपको रेड कलर का एक फुल साइज बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे इस लैपटॉप में भी आपको पोर्ट का कोई कमी देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें आपको HDMI पोर्ट देखने को मिल रहा है, SD कार्ड पोर्ट देखने को मिल रहा है, 3.5mm जैक देखने को मिल जा रहा है, सी टाइप देखने को मिल रहा है, ए टाइप देखने को मिल रहा है, 3.1 फर्स्ट जनरेशन सारे टाइप के पोर्ट देखने को मिल जाता है। आपको गेमिंग के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाला इस लैपटॉप में। यहाँ पे इस लैपटॉप में कनेक्टिविटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला इसके वाईफाई 5 के साथ में। यहाँ पे आपको डुअल वाईफाई सपोर्ट देखने को मिल रहा है, उसके साथ में इसमें साउंड में भी कुछ एनहांसमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ जैसे मेंशन है एसर की तरफ से, तो ये काफी ज्यादा पावरफुल पैकेज देखने को मिल जाता है एसर की तरफ से, जहाँ पे हमें विंडोज 10 प्री इंस्टॉल देखने को मिलने वाला जो 64-bit का ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड होगा। और इस लैपटॉप में आपको कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्री इंस्टॉल देखने को नहीं मिलने वाला है, कोई भी सीडी ड्राइव नहीं है। इनफैक्ट हमारे लिस्ट के किसी भी लैपटॉप में आपको सीडी ड्राइव देखने को नहीं मिलने वाला है। और इस लैपटॉप का जो प्लस पॉइंट है कि आपको उसमें 1 ईयर इंटरनेशनल ट्रैवलर वारंटी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप काफी ज्यादा ट्रैवल करते हो अलग अलग कंट्रीज में और इस लैपटॉप को लेके कैरी करते हो तो ये काफी ज्यादा अच्छा प्लस पॉइंट बन जाता है, जहाँ पे आप अलग कहीं से भी वारंटी क्लेम कर सकते हो। जहाँ पे अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो आपको 51,990 के आसपास आपको अमेजोन में देखने को मिल जाएगा, इसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं नंबर 2 लैपटॉप पे, जो है MSI का GL65। यहाँ पे अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ स्टार्टिंग में प्रोसेसर, तो आपको इंटेल का i5 9th जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो आपको 15.6 इंच का फुल HD 1080 रेजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। उसके साथ में आपको इस लैपटॉप में 512GB का NVMe SSD देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे अगर मैं रैम की बात करूँ तो इसमें आपको 8GB DDR4 का रैम देखने को मिल रहा है। और इसमें ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें भी आपको NVIDIA का GeForce GTX 1650 ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है, जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स है 4GB DDR5 का मेमोरी टाइप के साथ में। और इसमें आपको एक फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलने वाला है, जो एक RGB लाइटिंग बैकलाइट कीबोर्ड है, पूरा RGB कलर मल्टी कलर में आपको देखने को मिलने वाला, बाकी सब सिंगल कलर थे। और ये हमारे लिस्ट का इकलौता लैपटॉप है जिसमें आपको RGB लाइटिंग देखने को मिलने वाला है कीबोर्ड में। तो ये काफी ज्यादा पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है। यहाँ पे कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल रहा है विद 2 फैंस एंड 7 हीट पाइप। उसके साथ साथ में आपको इसमें डुअल स्पीकर देखने को मिल रहा है, जो इसे जाइंट स्पीकर यहाँ बताया गया है। उसके साथ साथ में आपको पोर्ट का भी कोई कमी देखने को नहीं मिल रहा है, जहाँ पे आपको गेमिंग को देखते हुए सारे टाइप के पोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। उसके साथ इसका ऑडियो में आपको हाई रेज ऑडियो का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जा रहा था, तो आपको गेमिंग के मामले में काफी अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। उसके साथ 60Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसका प्राइसिंग कुछ आपको 54,990 रुपीज यानी कुछ 55,000 में आपको अमेजोन में देखने को मिल जाएगा। तो काफी सही पावरफुल गेमिंग लैपटॉप, जहाँ पे आपको ऑब्वियसली MSI के तरफ से काफी सारा सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, पूरा मैनेज करने के लिए, कूलिंग को मैनेज करने के लिए जो MSI का ड्रैगन सेंटर है, तो ऐसे कई सारे एक्सक्लूसिव फीचर आपको इस MSI के लैपटॉप में देखने को मिल जाते हैं गेमिंग के मामले में। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारा नंबर 1 लैपटॉप पे, जो है Acer Aspire 7। जहाँ पे आपको प्रोसेसर से स्टार्ट करें तो आपको Ryzen 7 देखने को मिल रहा है, तो काफी कमाल प्रोसेसर देखने को मिल जा रहा है इसी बजट सेगमेंट में, जो आपका क्वाड कोर प्रोसेसर 3750H। इसमें आपको 512GB ऑफ NVMe SSD देखने को मिल जा रहा है, विंडोज 10 प्री इंस्टॉल देखने को मिल जा रहा है, 8GB ऑफ DDR4 का RAM देखने को मिल रहा है, एक्सपेंडेबल अप टू 32GB, और इसमें आपको डुअल स्लॉट देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो आपको NVIDIA GeForce GTX 1650 ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है, बट इसमें आपको GDDR6 का मेमोरी टाइप देखने को मिल रहा है, जो 4GB ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेगा। इस लैपटॉप में भी आपको पोर्ट का कोई कमी देखने को नहीं मिल रहा है, जहां पे आपको 3.2 का फर्स्ट जनरेशन पोर्ट, USB टाइप सी, USB 2.0 और फिर जाके आपको SD कार्ड पोर्ट, HDMI सारे टाइप के पोर्ट इस लैपटॉप में अवेलेबल है। जहाँ पे आपको डुअल माइक देखने को मिल जा रहा है, डुअल स्पीकर देखने को मिल जा रहा है, और आपको 15.6 इंच का फुल HD 1080p रेजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले देखने को मिल जा रहा है, बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल जा रहा है। तो काफी ज्यादा पावरफुल लैपटॉप बन जाता है। जहाँ पे Acer Aspire 7 का जो मेन जिस रीजन से नंबर 1 पे वो इसका प्रोसेसर, Ryzen 7 जैसा पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जा रहा है। इस लैपटॉप में आपको जो स्पीकर मिल रहा है डुअल स्पीकर, वो स्टीरियो स्पीकर है, तो वो भी काफी अच्छा एक बेनिफिट मिल जाता है गेमिंग के मामले में, आपको काफी कमाल ऑडियो एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला। और इस लैपटॉप में भी आपको इंटरनेशनल वारंटी देखने को मिल रहा है 1 साल का, तो अगर आप ट्रैवलर है लैपटॉप लेके ट्रैवल करते तो काफी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे भी देखने को मिल जा रहा है। इस लैपटॉप में भी आपको जो डिस्प्ले मिल रहा है 60Hz का रिफ्रेश रेट वाला, तो काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको इस लैपटॉप में देखने को मिल रहा है। इसमें SSD मिल रहा है, Ryzen 7 जैसा पावरफुल प्रोसेसर मिल रहा है, उसके बाद स्मूथ डिस्प्ले भी मिल जा रहा है, तो काफी सही पैकेज है ये Acer की तरफ से। जहाँ पे प्राइसिंग की बात करें तो 55,990 रुपीज यानी कुछ 56,000 आपको फ्लिपकार्ट में देखने को मिल जाएगा। ये पावरफुल लैपटॉप 56,000 में काफी सही पैकेज बन जाता है Acer की तरफ से।
तो अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो शायद आपको MSI में जाना चाहिए, काफी सही लैपटॉप भी, वो भी जहाँ पे ये लैपटॉप उतना ज्यादा हैवी गेमिंग जैसा दिखता नहीं, एक सिंपल लैपटॉप जैसे ये, जहाँ पे उतना ज्यादा लाइटिंग वेटिंग नहीं है और काफी ज्यादा सिंपल और लाइट वेट लैपटॉप है देन बाकी अदर गेमिंग लैपटॉप जितना, तो ये इजी टू कैरी है और ट्रैवलिंग के हिसाब से भी देखते हुए काफी सही लैपटॉप है ये भी। तो अगर आप स्पेशली एक गेमिंग हैवी गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो शायद आपको MSI में जाना चाहिए। ऑब्वियसली आप प्रोसेसर अच्छा आप इसमें भी चाह सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप MSI में जाओ और HP Pavilion जैसे गेमिंग लैपटॉप, अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो आपको 1 TB तक स्टोरेज देखने को मिल रहा है, अगर आपको थोड़ा स्मूथ गेम प्ले चाहिए SSD चाहिए तो आप इस टाइप के भी लैपटॉप में जा सकते हो, यहाँ पे काफी सही पैकेज हमें देखने को मिल जाता है। तो यही सब की कहानी थी 5वें लैपटॉप की। तो अगर मैंने चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको 5वें लैपटॉप में सबसे अच्छा लैपटॉप कौन सा लगा और नोटिफिकेशन बटन भी दबा देना क्योंकि इस टाइप की कमाल वीडियो आते रहते हैं। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो सून।